Panda. I got broads in Atlanta. Since you don't need a family. Credit cards and scammers. Getting no licks in the band. Legacies. अभी आई हूँ मैं किचन में फिर से और मुझे ये तत्तू ने रसमलाई बना के रखी हुई है और उसने मना किया था कि नहीं खानी, लेकिन इट्स लुकिंग सो टेम्पटिंग कि मैंने सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं सब्र कर लूँ। तो मैंने सोचा मैं हाफ लेके टेस्ट कर ही लेती हूँ और सुबह जो है अपोलोजाइज कर लेंगे उसको बोल देंगे कि यार सॉरी, क्या कर सकते हैं। हर चीज़ का अंग्रेज बाकी कुछ सही सिखा के गए हों या ना गए हों, सॉरी वर्ड सही दे के गए तो हम वो कह देंगे और मामला ख़त्म। इसने बड़ी बड़ी टुकड़ियाँ बनाई हैं, इट्स लुकिंग सो टेम्प्टिंग यार, माशाल्लाह। आई थिंक इट्स इनफ, बस इतना ही। सर आप लोगों को ना इधर ही टेस्ट करके बताती हूँ कैसा होना, कितना सॉफ्ट है। मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ, देखो यार कितना सॉफ्ट सा बना हुआ, और बीच में से कैसा वो भी दिखाती हूँ, रुके पहले ये तो टेस्ट करूँ। ये इस तरह फुल पका हुआ है बीच से भी, यमिलिशियस। मैं इसे ख़त्म करती हूँ, आप लोग भी बना के खाएं, ओके। और ये सुबह सुबह हम जा रहे हैं मेरे काम के लिए, और पास ही जाना है इसलिए पैदल निकल रहे हैं बस। अब वहाँ पे पहुँच के फिर शायद थोड़ा शूट कर लूँ, अगर ज़्यादा काम हुआ तो शूट भी नहीं हो पाएगा, एंड होपफुली आज काम सारा हो जाए इंशाल्लाह। यहाँ पर जो है वो मैं बिज़नेस के काम से रिलेटेड जो है बाहर गई थी और वो काम मेरा हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं वापस आई हूँ तो अम्मी ने मेरे लिए जो है ना फ्रूट कट करके रखे हुए थे मिक्स करके, तो ये मैं बस वही खा रही थी और साथ में मैं वीडियो शूट कर रही थी और साथ में बातें भी कर रही थी बहुत सारी। और आजकल जो है वो हम कहाँ के सच्चे जो है वो चल रहा है, और आप में से कौन कौन देख रहा है वो बताता जाए मुझे, हम कहाँ के सच्चे इतना इंटरेस्टिंग हो चुके हैं और मुझे लगता है उसके डबल एपिसोड होने चाहिए यार उसके सच में, क्योंकि इतना वो आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा कर देता है कि यार अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। और उसमें सबसे बुरा करेक्टर मुझे ना अस्वद का लग रहा है, डम है बिल्कुल यार, हीरो डम दिखाया है। फिलहाल मैं ऊपर आ गई हूँ, रात में मुझे बहुत सांस चढ़ गई, मैं अपनी किताबें भी ले आई हूँ, मैं इधर बैठ के पढ़ने के लिए आई थी और मेरा लैपटॉप भी वहाँ पे पड़ा हुआ है। आई थिंक माउस जो है वो मैं वहाँ पे छोड़ आई हूँ, यार अभी बात नहीं कर सकते, थोड़ी देर बात करते हैं, क्योंकि सांस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा चढ़ा हुआ है। अभी मैंने जो है ना वो नमाज़ पढ़ी है और अम्मी भी बाहर बैठ के कुरान पाक पढ़ रही हैं। ज़रा मैं ये करके जाऊँ और आप लोगों को बाहर की सैर कराऊं, ज़रा नज़ारा दिखाती हूँ। बादल इतने हसीन हुए हैं ना यहाँ पे, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर अम्मी जो है वो कुरान पाक पढ़ रही हैं अभी यहीं पे बैठ के मेरे पास। और बर्ड्स की ट्विटरिंग और चिरपिंग की आवाज़ आ रही है, होपफुली आप लोगों को भी सुनाई दे रही होगी। यार बादल कितने प्यारे लग रहे हैं, बस ये चेक करें। खैर मैं दोबारा से अंदर जाऊं, अंदर जाके मैंने भी थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ना है, फिर उसके बाद जो है वो अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है। ये मेरी पेंटिंग जो है वो अभी पड़ी हुई है, कंप्लीट नहीं हुई, तो इसको करना है शायद कि आज के मैं, मेरा क्योंकि मूड हो रहा है कि मैं इसको कंप्लीट करूं, तो आज या कल का दिन लगा के मैंने इसे कंप्लीट कर देना है इंशाल्लाह। चल कुछ ये रहा है कि मैं अम्मी के साथ अभी फ़िलहाल ऊपर ही हूँ, अम्मी यहाँ पर बैठी हुई थी चेयर लेकर, और अम्मी ने अपना, अम्मी पता नहीं क्या कर रही है वहाँ पर। अम्मी आप क्या कर रही हैं, ख़त्म कर रहे हैं। माई अम्मी स्पीक्स पंजाबी, सो आप लोगों को पंजाबी का मज़ा भी आएगा। बोलें अम्मी, बोलें आप क्यों क्या अभी नहीं, अच्छा ठीक है बाद में अम्मी से बात करते हैं, फ़िलहाल पानी देते हैं क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ हुआ है। अब इनको पानी देना है, ये फिल हो जाए फिर उसके बाद पानी देकर फिर बात करते हैं। सो अभी मैं जा रही हूँ नीचे, अभी नीचे जाती हूँ और नीचे जाके मैंने क्या कहते हैं खाना खाना है और मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर दोबारा आ जाएंगे। अभी फ़िलहाल पंखा शंखा बंद करके निकलते हैं।
ये था हमारा स्नैक टाइम और स्नैक विच वॉज़ प्रिपेयर्ड बाय तत्ता एंड भाभी एज यूजुअल। और यहाँ पे जो है वो हुमस था, वो जो आपको ग्रीन ग्रीन सा नज़र आ रहा है वो जाते रहे ये, और साथ में खुबूस पड़े हुए हैं जो छोटे हमने खुद बनाए थे, और सब कुछ बहुत अच्छा था। ये हुमस जो जिसके ऊपर चिक पीज आपको नज़र आ रहे हैं, ये हुमस है। और ये सारा कुछ जो है वो अरबिक डिशेज हैं जो के, और हाँ फ्लाफल का तो मैंने बताया नहीं, ये जो गोल गोल राउंड से पड़े हुए हैं ये फ्लाफल हैं, और ये मेरे मोस्ट फेवरेट हैं यार। फ्लाफल को ब्रेड के अंदर लगाओ और केचप वगैरह लगा के खाओ, इतना मज़ा आता है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। बस फिर आपको आगे मैं टेस्ट करके बताती हूँ। स्नैक टेस्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे घर में मिठाई आई हुई थी, और ये मिठाई किसी खुशी में नहीं आई थी। हम लोग ना रात को ऐसे रैंडमली बातें कर रहे थे, तो उस टाइम अम्मी बोल रही थी कि ना गुलाब जामुन खाने का दिल कर रहा है, और मैंने भी बोला हाँ यार इतना टाइम हो गया गुलाब जामुन नहीं खाए। तो ये उस नेक्स्ट डे जो है वो भाई लेकर आ गए थे, तो वो मैं आप लोगों को साथ शेयर कर रही थी कि ये भी घर में आए हुए हैं। और ये जो है मैं आप लोगों को सारा दिखाती हूँ। इसकी ब्रेड इतनी सॉफ्ट थी ज़ातर की, और ये ना मसाले होते हैं जो यू नो अरबिक मसाले होते हैं, वो सारे इन्होंने मिक्स किए होते हैं। और ब्रेड ये सारी हमने घर में प्रिपेयर की थी, और उसके ऊपर जो है वो फिर डाला था, बेक किया था ब्रेड को। और इसके अलावा जो है फ्लाफल, फ्लाफल इतने आला बने थे। और ये जो बीच में हार डाल रहे हैं ना, ये मेरे भाई हैं वो मेरी वाली प्लेट से ले रहे थे, और साथ में कभी मैं उनकी प्लेट से ले रही थी। खैर ये बहुत आला बना हुआ था। इसकी कभी मैं आप लोगों के साथ ना रेसिपी पूरी डिटेल में शेयर करूँगी। और नेक्स्ट व्लॉग मेरा इंशाल्लाह आप लोगों को कल मिलेगा इंशाल्लाह, अगर मेरे पास टाइम होगा मैंने एडिट करके डाल देना, और वो पूरा रेसिपी व्लॉग होगा, क्योंकि मैंने एक रेसिपी ट्राई करनी थी और मैंने किया और वो इट टर्न्स आउट रियली ग्रेट। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ तो लाजिमो मलजूम शेयर करूंगी। ठीक है, जो कल मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करनी है वो थोड़ी सी टेक्निकल है, तो आप लोगों ने उसको बहुत अच्छे से कीनली ऑब्जर्व करना है, और उसके बाद उसे कुक करना है। और आप लोगों ने जब उसे कुक करना है तो मेरे साथ उसका इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स लाजिम शेयर करनी है। ये सारी ये जो हमारे कंट्री से हमारी कंट्री की यू नो डिशेज नहीं होती, ये तो सारी मुश्किल होती हैं हमारे लिए, उनके लिए तो ऑब्वियसली नहीं होती होंगी, और हमारी कंट्री की उनके लिए शायद मुश्किल होती होंगी। तो इनमें थोड़ा सा टेक्निकल काम होता है कि इतना मेजरमेंट इतनी चीज़ की रखनी है उतनी। तो कल वाली रेसिपी में भी कुछ ऐसा ही होगा, और ये वाली जो रेसिपीज़ है ना ये मैं तत्तू से रिक्वेस्ट करके आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगी। और कल की रेसिपी जब आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों ने मेरे साथ इंस्टाग्राम पे उसे शेयर जरूर करना है। इसके अलावा यहाँ पे मैं नमाज पढ़ रही थी, और अंधेरा जो है ना, अंधेरा ये तत्तू की वजह से होता है, आते जाते जो है वो स्विच बंद कर देती है, बस लाइटें ऑफ करने में वो लगी रहती है। अच्छी बच्ची है, बिजली का बिल बचा रही है। इधर ये चल रहा है कि मैं अपने लिए छोटू सा रोटी बना रहा हूँ, और बस यही कर रहा हूँ। और रोटी बनाने के बाद मैंने ये करना है कि रोटी खानी है, और बस चले जाना पढ़ने, बस ये नीचे है। अभी फ़िलहाल मैं ऊपर जाके पढ़ रही थी, अपनी किताबें मैं जो है ना वो अपने स्टूडियो में ले गई थी, वहाँ पे बैठ के पढ़ रही हूँ और काम कर रही हूँ साथ में। और ये पता नहीं क्या बाहर ठक ठक हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को नहीं समझ आ रही। अच्छा रोटी बनाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। रोटी मेरी तैयार हो गई है, इसके ऊपर मैंने घी लगाया है थोड़ा सा, क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं तो सर्दियों में तो घी बहुत मस्त हो जाता है। उसके अलावा आज बना है शलजम पालक, या पालक शलजम पता नहीं क्या होता है, अब जो होता है जो भी होता है मैं अम्मी से बाद में पूछूंगी क्या होता है। तो ये वो बना हुआ है और ये मुझे बहुत खाने में पसंद है, खाने में बहुत पसंद है, और नाम सही से नहीं आता है ना, शलजम और पालक। ये गर्म हो गए मेरे शलजम पालक, निकाल लिए और बस बैठ के खाना स्टार्ट। अभी जो है वो मैं यहाँ पर बैठ के पेंटिंग कर रही हूँ और करने लगी हूँ स्टार्ट, थोड़ा सा करके जाऊँगी। ये मेरा मिरर पैलेट जो है वो मिल गया मुझे फाइनली, ये मैंने ले लिया मिरर पैलेट, और इस पर जो है कलर्स लगाएंगे। पेंटिंग बस स्टार्ट करती हूँ, और जितनी करूँगी फिर आप लोगों को अपडेट कर दूँगी कि कितनी कर ली है। मैं पेंटिंग कर रही थी अभी, बस वॉश करने के लिए आई थी, और यहाँ पर इतना कोई आला सा चांद बोलने लगे थे, आला सा जैसे नया, हर रोज़ नया निकलता है, वैसे नया ही निकलता है एक तरह से अगर देखा जाए तो। तो इतना प्यारा लग रहा है यार, माशाल्लाह। अभी ये ना क्या कहते हैं, कैमरा उतना खूबसूरत कैप्चर नहीं कर पा रहा जितना एक्चुअल ये लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है। इसका कलर यहाँ पर तो फिर भी थोड़ा सा वो उस तरह का आ रहा है ना, येलो नहीं आ रहा, लेकिन ये नेकेड आई से अगर देखा जाएगा तो ये येलो आ रहा है, फुल येलो। पेंटिंग चल रही है, अभी थोड़ी सी की है, इतनी कर ली है, अभी भी बाकी है, लेकिन मैं थक गई हूँ और अब मैं नीचे जाने लगी हूँ। मेरी बुक्स जो थी वो डायरी वहाँ पे एक पड़ी हुई है, वो भी मैंने लेनी है साथ में, और देखती हूँ कुछ और भी काम है मेरा, अभी समेटती हूँ, पहले तो ये चीज़ें समेटूँ ना,
फिर उसके बाद चीज़ें समेटने के बाद नीचे चलते हैं। उसी डायरी है ना, इस निक्कू सी डायरी में मैं अपने बिजनेस की चीज़ें लिख रही थी। सारा जो अकाउंटिंग का काम है वो इसमें हो रहा है मेरा, कि कितना क्या किस तरह लेना है, कितना आएगा खर्चा, कितना बच जाएगा खर्चा, वो सब चल रहा है इसमें। स्टडी कर ली है और इसके अलावा अब मैं इधर बैठ के जो है वो एडिटिंग करने लगी हूँ और व्लॉग अपलोड करने लगी हूँ। आप लोग जाएं और व्लॉग देखना है आप लोगों ने। और फिलहाल ये वाली वीडियो इधर ही एंड करते हैं। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।